हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था जो भाई, अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में जान लेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है फिर से 11 शुरू होने वाला जून महीने से, फिर जुलाई में सीजे से ले, फिर सेप्टेम्बर में, शायद या अक्टूबर में एमटीएस भी होने वाले हैं। तो ये जो डेज और थीम्स वाला जो मामला होता है ना, ये मतलब जब से कॉम्पिटिशन के इतिहास शुरू हुआ है तब से लेके जब तक कॉम्पिटिशन रहेगा तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिर्फ ऐसे नहीं है जो भाई इंपॉर्टेंट डेज और थीम से ही काम हो जाएगा, इसका अंदर का बहुत सारा स्टैटिक है जो कि एग्जामिनर पूछता है। तो इसलिए मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट भी है डेज और थीम का, पिछला साल का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई सबका अलग अलग से किया हुआ, उसको भी आप लोग देखिएगा। और इस साल के ये जनवरी से हम लोग शुरुआत करते हैं, आने वाला दिन में, दो तीन दिन में फरवरी, मार्च, अप्रैल सब कुछ हम लोग कराएंगे। ओके, तो अच्छे से सुनिएगा, इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, इसका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का इसमें हम लोग लगभग 20 इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में जानेंगे। बट पहले ये बता दूँ, सब डेज का थीम डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले, दो चार थोड़ा सा ये देख लेते ट्रेलर। वर्ल्ड हिंदी डे, एक दिवस, आर्मी डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंडियन न्यूज़पेपर डे और भी बहुत सारा है, 20 है तो बहुत सारा ही होगा। तो आइए आज का ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है 66 फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहला जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि पहले जनवरी को ही 1958 में इसका स्थापना होता है। और मौजूदा जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर वी कामत। बस मैं बता दूं, अभी मैं जॉब कर रहा हुआ तो कर रहा हूँ, बट एक बार डीआरडीओ का भी एग्जाम पास किया था, सेप्टम का एग्जाम हुआ करता था, तो इंटरव्यू के लिए अजमेर बुलाया गया था। बट उस टाइम मैं जब जॉब कर ही रहा था तो और इंटरव्यू देने नहीं गया था। अच्छा, इन लोगों का काम कर रहता है, जितना भी डिफेंस रिलेटेड रिसर्च इन लोग करते हैं और बाद में इसको डेवलप भी करते हैं। आपने अगर वो मूवी देखा होगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें जो परेश रावल रहते हैं जो कि अजीत डोवाल का रोल प्ले करते हैं, वो जाते हैं डीआरडीओ में जाके फिर गरुड़ बनाते हैं, बनवाने बोलते हैं बच्चा लड़का को, याद है? तो इन लोग यूएवी बनाते हैं, मिसाइल बहुत सारा ये बनाते हैं, मतलब जितना प्रोटोटाइप है सब यही लोग तैयार करते हैं। अच्छा, अब आज द वर्ल्ड ब्रेल डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये बहुत ही महान शख्स थे, उनका नाम था लुईस ब्रेल। 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म होता है और फ्रांस, मानी फ्रेंच थे, फ्रांस में उनका जन्म होता है। बट होता क्या है ना, उसका पापा का जो काम था, एक जूता का कुछ काम था, तो एक दिन वो बच्चा जब था तो खेलने गया था, तो एक ऑल होता है मतलब कुछ जंतर होता है, वो आँख में फोड़ लेता है, अपना आँख में चोट लगा लेता है, उसका वजह से इन्फेक्शन होने का वजह से दोनों आँख खराब हो जाते हैं, उसके बाद देख नहीं पाता। बाद में वो पढ़ाई लिखाई करता है और खुद ही ये मतलब डेवलप करता है ब्रेल को, ठीक है? तो ये जो ब्रेल है ये एक्चुअली 6 डॉट, आपने भी देखा होगा 6 डॉट रहता है, उसी को अलग अलग कॉमिशन से बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर, नंबर, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, म्यूजिकल सिंबल सब चीज़ में अभी यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग भी ब्लाइंड पीपल है, नहीं देख पाते, उनके लिए ये तो बहुत बड़ा वरदान है, इसी से वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली था वो नवंबर 2018 में इसको अडॉप्ट करता है और पहली बार सेलिब्रेट किया जाता है 2019 में, ठीक है? इसमें भी देखिएगा कहीं कहीं दो सवाल लगे, कब अडॉप्ट किया गया, पहला बार कब सेलिब्रेट हुआ, दोनों ध्यान से देखिएगा। अब आता है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार 2006 में मनाया गया था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ही मनवाया था। और इसका जो इस बार का थीम है, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? और हिंदी पहली बार मतलब हिंदी में स्पीच दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1949 को। और पहला बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, 10 जनवरी 1975 नागपुर में, इसीलिए इसी दिन को चुना गया था बाद में। वैसे हिंदी दिवस जो है हमारा, हिंदुस्तान का हिंदी दिवस, ये 14 सितंबर को होता है, अच्छा से याद रखिएगा। जो लोग भी अभी जॉब कर रहे हैं लोग देखेंगे, पुराना है तो मालूम है 14 सितंबर को बहुत सारा प्रोग्राम भी होते हैं। एक्चुअली इसी तारीख को ऑफिशियल हिंदी, मतलब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से अप्रूव किया गया था। अब आता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, 1984 में डिक्लेयर किया जाता है, 1985 से इसका शुरुआत होता है। और इस बार का जो थीम था, माई भारत विकसित भारत एट द रेट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। और 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल भी इस बार मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया, नासिक महाराष्ट्र में, ये भी पूछा जा सकता है। और 12 जनवरी को किसका जन्मदिन होता है आपको मालूम होना चाहिए, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद, इसका बारे में अलग से एक मेरा वीडियो, उसको भी आप लोग देखिएगा। उन्होंने ही कहा था, आराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो आप लोग भी एकदम भी रिलैक्स मत होइए, एग्जाम दूर है तो क्या हुआ, तैयारी करते रहिए। 1863 में इनका जन्म होता है और 4 जुलाई 1902 में मात्र 39 ईयर्स की उम्र में इनका देहांत होता है।
11 सितंबर 1893, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने भाषण दिया था, और 1897 में रामकृष्ण मिशन भी बनाया था। ठीक है, और भी बहुत सारे डिटेल है, वो अलग से जो वीडियो मेरा स्वामी विवेकानंद का, उसको जाके फेमस पर्सनैलिटी में देखिएगा। अब आता है 76th आर्मी डे, और ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? इन सर्विस ऑफ द नेशन, और ये इस बार लखनऊ में मनाया गया। लखनऊ का 11th गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर जो वहीं पर मनाया गया, और ये दूसरा बार है जो कि एनसीआर दिल्ली का बाहर मनाया गया, पिछला बार बेंगलुरु में मनाया गया था। एक्चुअली जब से ये शुरुआत हुआ है हमेशा ये दिल्ली में मनाया जाता था, बट पिछला बार बेंगलुरु में पहली बार मनाया गया, इस बार लखनऊ में मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? 15 जनवरी को 1949 में वो जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, उन्होंने चार्ज संभाला था। ठीक है, वो पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, फील्ड मार्शल बाद में बनते हैं, और लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे? फ्रांसिस रॉय बूचर, उनके हाथ से इन्होंने बैटन लिया था। और 2024 को मैंने आर्मी की तरफ से डिक्लेयर किया गया था, किया गया है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1800, मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी कब बना था? पहला अप्रैल 1895। और ये जो के.एम. करियप्पा है, ये मतलब दूसरे शख्स है जिनको फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया। एक्चुअली पहले तो यही बने थे आपका आर्मी चीफ, बट पहला फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था सैम मानेकशॉ, जो कि अभी रिसेंटली एक मूवी भी आया था ना, सैम बहादुर, बहुत बढ़िया मूवी है, विक्की कौशल का, देखिएगा, 1973 में। और के.एम. करियप्पा जब रिटायर वगैरह हो जाते हैं बाद में, उनको 1986 में इसका दर्जा दिया जाता है फील्ड मार्शल का। अब 8 आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, ये 8वां हुआ आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, ये भी उन्हीं से रिलेटेड है, के.एम. करियप्पा जी से रिलेटेड है, जिनको प्यार से कीपर कहा जाता था। एक्चुअली इसी तारीख में वो रिटायर्ड होते हैं 1953 में। ओके, तो इसलिए इसको आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे हिसाब से मनाया जाता है, पहली बार 2016 में मनाया गया था। अच्छा, इसके बाद में और एक डे आता है 9 जनवरी को, जिसको बोला जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे। वो यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए नहीं है, मैं भी बताऊंगा। एक्चुअली 9 जनवरी को क्या हुआ था, 1915 में गांधी जी का घर वापसी हुआ था, साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे वो। ठीक है, और ये जो एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस है 2003 से मनाया जा रहा है, और ये 2003 से 15 तक हर साल मनाया जाता था, और 15 से ये क्या हो गया, हर 2 साल में मनाया जाता है। इसलिए लास्ट 2023 में मनाया गया, 2024 में इसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ, इसलिए इसमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को मनाया जाता है, 2022 से इसका शुरुआत किया गया था, और इस बार का थीम क्या था? स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफिनाइट पोटेंशियल। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है, ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2016 में, दोनों अलग अलग सवाल है। स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव 2016 में लॉन्च होता है, और नेशनल स्टार्टअप डे 2022 से मनाया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का अंडर में आते हैं ये लोग। देखिएगा, ये भी देता है वो जो JTAG होता है ना, ये लोग देते हैं। इंडिया रेव रेजिंग डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार 19th एडिशन था इन लोग का, 19 जनवरी को मनाया जाता है ये। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मैंने इस डे का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। ओके, और नेशनल मतलब NDRF का ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 जनवरी को, इसलिए इस डे को मनाया जाता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसका फुल फॉर्म है, और मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल है NDRF का, उनका नाम है अतुल कारवाल। ठीक है, और इन्होंने पिछला साल बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, जैसे कि तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसमें ऑपरेशन दोस्त चलाया, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसमें सबका राहत कार्य किया, साइक्लोन बिपोरजॉय जब आया था उसमें बहुत ज़्यादा काम किया, और वो जो टनल में सब फंस गया था ना उत्तराखंड में, जो टनल था सिल्कियारा, वहाँ से भी सबको इन्होंने ही, मैंने NDRF का टीम ही रेस्क्यू करता है, याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेंगुइन अवेयरनेस डे 20 जनवरी को मनाया जाता है। पेंगुइन बहुत ही प्यारा सा पंछी भी, बर्ड्स कह लीजिए, ज़्यादातर वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी कुछ पाया जाता है। ठीक है, ठंडा एरिया में पाया जाता है, आपने देखा भी होगा, इसमें बहुत सारा कार्टून भी बना है। अब आता है पराक्रम दिवस, यह कि वैलर डे भी कहा जाता है, ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, 2021 से इसका शुरुआत किया जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है 2024 का, ये अवार्ड किसको मिला है ये पुरस्कार? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 51 लाख धनराशि भी रिवॉर्ड मनी के हिसाब से मिलता है, अगर कोई शख्स को मिलता है तो 5 लाख, अगर कोई संस्था या ग्रुप को मिलता है तो 51 लाख। और ये 23 जनवरी आपको बच्चे बच्चों को मालूम होगा, ये जी हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, 1897 में उनका जन्म होता है, और 18 अगस्त 1945 में एयर क्रैश में उनका माना जाता है मौत होता है, और ये हमारे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी रह चुके हैं, और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फिर 1939 में सीतारामैया पट्टभी सीतारामैया जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, टीपुरी में उनको हराया था, बाद में रिजाइन दे देते हैं,
और उसी साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना करते हैं। फिर तो ये अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी जाते हैं, इटली जाते हैं, वहाँ जर्मनी से होके फिर पूरा पानी का सफर करके यहाँ पर सिंगापुर आ जाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक्चुअली इनका लेके अलग से एक वीडियो बनाना जरूरी है, मैं जरूर बनाऊंगा एक दिन। और इनका नाम से हमारा जो कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम से ही है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये छठा एडिशन था इस बार, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये यूनेस्को पालन करता है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मालूम है पेरिस में है। थीम क्या था इस बार का, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, जी हाँ 11 नवंबर को, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, याद है ना। इसका लेके भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी एक अलग से वीडियो, उसको भी देखिएगा, ठीक है। अब आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 2008 से इसका शुरुआत किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको पूरा ऑर्गेनाइज करता है। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, जी हाँ 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब ना को रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको अच्छा याद रहेगा। नेशनल वोटर्स डे, ये इन लोग का 14th एडिशन था, 2011 से इसका शुरुआत किया गया है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। आप लोग से भी विनती है, आप लोग भी जरूर वोट करेंगे, सामने इलेक्शन जरूर है आपका। पोस्टेज स्टैम्प भी चालू किया गया था इस बार का, जो इंक्लूसिव इलेक्शंस का एक पोस्टेज स्टैम्प चालू किया था। एक छोटा सा फिल्म का टेलीकास्ट किया गया था, माई वोट माई ड्यूटी, जो कि राजकुमार हिरानी, जो कि मुन्ना भाई बनाए हैं, याद है ना आपको। अभी डंकी भी वही बनाए थे, उनका ही डायरेक्ट किया हुआ मूवी था। ECI माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है इसको। और इसी दिन यानी कि 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना होता है 1950 में, यानी कि जब हम लोग रिपब्लिक होते हैं उसका ठीक एक दिन पहले, 75th ये इस बार का सेलिब्रेशन था। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 1948 से मनाया जा रहा है। थीम क्या था इस बार, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, ठीक है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 27 सितंबर, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल कस्टम्स, ये तो पिछला बार WBCS में भी पूछा जा चुका है, पता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना होता है 26 जनवरी 1953, बट हाँ जब स्थापना होता है तब नाम था कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, 1994 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और रख दिया जाता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है और मौजूदा जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है यान सॉन्डर्स। देखिए कैसा करके डेज ऑफ थीम से कितना सारा नॉलेज निकलता है, अच्छा से देखिएगा। कल ऐसा नहीं है PDF में देख लिए, इस दिन में ये डे सेलिब्रेट किया जाता हो गया काम, ऐसा नहीं होगा, बहुत टास्क आपका बहुत कठिन हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, पहला एडिशन था ये वाला, और पहला एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लानेट, ये इसका थीम था। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पिछला साल यानी कि 2023 में इसको डिक्लेयर करता है। नेशनल ज्योग्राफिक डे, ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी इसी तारीख को 1889 में इसका स्थापना होता है, इसलिए मनाया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये इस बार 28 जनवरी को मनाया गया, एक्चुअली ये हर जनवरी का लास्ट संडे को मनाया जाता है, बट हाँ इंडिया में ये हमेशा 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी का उसी दिन देहांत हुआ था और गांधी जी लिटरेसी के लिए बहुत कुछ किए थे। और इस बार का वर्ल्ड लेप्रोसी डे का थीम क्या था, बीट लेप्रोसी, और इसको हैंसेंस डिजीज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हैंसेन, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ही ये जो बैक्टीरिया है जिसका कारण से ये होता है लेप्रोसी, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, उसके ही खोज किए थे, और वो नॉर्वे के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। और ये जो हैंसेन डिजीज या बीट लेप्रोसी है, ये आपका डैमेज करते हैं स्किन को, नर्व को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, आइज को, बहुत ही खतरनाक है। अब 2-3 बजे इंडियन न्यूज़पेपर डे, एक्चुअली ये कहीं कहीं 28 जनवरी भी दिख रहा है, बट ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट 29 जनवरी दिख रहा है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस ही के नाम के एक आयरलैंड के इंसान थे, उन्होंने इंडिया तथा एशिया का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर चालू किया, जो कि एक इंग्लिश वीकली था, मैंने हर हफ्ता छपने वाला एक इंग्लिश वीकली था, हिकीज बंगाल गैजेट उसका नाम था, और भी एक नाम था उसका ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। और इनको फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। और अगर बोला जाए जो आज के दिन में ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर कौन है इंडिया का, ठीक है, वो है मुंबई समाचार। पहले बॉम्बे समाचार था, अभी मुंबई समाचार है। 1822 में चालू होता है ये, और गुजराती लैंग्वेज में शुरुआत किया गया था इसका, ठीक है, इसको अच्छा से याद रखिएगा। मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, जी हाँ आपको मालूम है, ये हमारा प्यारा महात्मा गांधी जी को मतलब इसी दिन हत्या कर दिया गया था नथुराम गोडसे का द्वारा, 30 जनवरी 1948 में उनका मतलब हत्या कर दी गई, तो वो शहीद हुए थे।
इसलिए इस दिन मनाया जाता है। वैसे गांधी जी के बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ गांधी जी के ऊपर, एग्जाम का पहले आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, शहीद दिवस जो है ना और भी बहुत डेट में मनाया जाता है, 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था उस दिन भी मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट है इंटरनेशनल जेब्रा डे, जो कि 31 जनवरी को मनाया जाता है, अच्छा से याद रखिएगा। अफ्रीका में बहुत ज्यादा जेब्रा पाया जाता है। वैसे ये जो इतना सारा डेज था, इसके अलावा भी बहुत सारा डेज हो सकता है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करिएगा, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझको भी समझ में आएगा तो मैं पिन कमेंट भी कर दूंगा, पिन कमेंट को जरूर देखा करिएगा, अगर कभी कुछ गलती रह जाता तो उसमें हम लोग सुधार करते हैं। अगर आपको भी कभी लगे जो हाँ कुछ गलती है तो कमेंट में जरूर से करिएगा, हम लोग रिसर्च करके उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। फिर मिलेंगे हम लोग बढ़िया किसी वीडियो के साथ।